वीडियो बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा, बहुत ब्लर हो रहा है। हाँ वही देख रहा हूँ मैं, क्या रीजन आ रहा है। अब ठीक है, चलिए अब दिख रहा होगा आपको। यस सर। दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, और प्लीज सब लोग अपना माइक म्यूट कर दें, प्लीज माइक म्यूट कर दें। जो ये आवाज आ रही है ये आवाज बंद कीजिए प्लीज। ये जो बच्चे के शोर की आवाज आ रही है प्लीज बंद करें। किसका है ये माइक? चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूं पूरे वर्ल्ड में टैक्स कैसे लगता है। एक होता है सोर्स ऑफ इनकम बेसिस, इनकम बेसिस, और दूसरा रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिस। पूरे वर्ल्ड में या तो सोर्स ऑफ इनकम बेसिस टैक्स लगेगा या रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिस टैक्स लगेगा। अब देखिए होता क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो समझें आप। सोर्स ऑफ इनकम का मतलब जिस कंट्री में आपने इनकम अर्न की उस कंट्री में आपने टैक्स पे कर देना है, यानी जहां पर सोर्स था इनकम का उसी कंट्री ने आपसे टैक्स ले लेना है, बात खत्म। और रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है जिस कंट्री में आप रहते हैं। सो या तो इस पे इस बेसिस पे टैक्स लगेगा या इस पर हमारा गवर्नमेंट कहती है कि भैया दोनों में से किसी भी तरीके से बस टैक्स बनता है हमें दो, दैट्स ऑल। तो जहां दोनों भी लगाने पड़े वो दोनों लगा देंगे आपके ऊपर, पर टैक्स तो एक ही लगेगा, या तो इस बेसिस पे या इस बेसिस पे, दोनों में से कोई एक ही बेसिस होगा, पर दोनों ऑप्ट करने की पावर हमारे पास है। अब बात यह आती है कि हमें इसे पढ़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं, इसे तो जिस कंट्री में हमने इनकम अर्न की बस वहां पे टैक्स दे देना है, दैट्स ऑल। तो पढ़ने के लिए क्या है फिर, ये चैप्टर है पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस। अब चूंकि मैंने आपको पर्सन की डेफिनेशन बताई थी, और पर्सन की डेफिनेशन में सबसे पहला था इंडिविजुअल, तो मैं इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले लूंगा। एक इंडिविजुअल एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस पहले तो मैं बताता हूं होते क्या क्या हैं। एक इंडिविजुअल ओआर, एनओआर या एनआर, इन तीन में से कोई एक हो सकता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, तीनों में से कोई एक हो सकता है। मेहुल ओ आर एन ओ आर एन आर, बेटा इसे बंद कर, आवाज आ रही है। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, प्लीज ध्यान से सुनना। नॉन रेजिडेंट केवल उस इनकम पे टैक्स देता है जो उसने इंडिया में अर्न की या इंडिया में रिसीव की, ठीक है सर। एन ओ आर इससे थोड़ी ज्यादा इनकम पे टैक्स देता है, और ओ आर वर्ल्ड में कहीं भी इनकम अर्न करे, ये इकलौता ऐसा बदनसीब इंसान है जिसे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इनकम अर्न करे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आप क्या बनना पसंद करोगे, तो आप तुरंत लिख दोगे सर नॉन रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि टैक्स कम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बनाने की कोशिश करेगा? ओआर, क्योंकि टैक्स ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर एक डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट को पता था कि ये ऐसा हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ लॉ बनाया, और लॉ कहा कि आप इन लॉ के अकॉर्डिंगली अपने आप ओ आर एन ओ आर एन आर बन जाओगे, और फिर जो आप बन जाओगे उसके अकॉर्डिंगली आपने हमें क्या पे कर देना है, टैक्स पे कर देना है। अब बात ये सवाल आता है कि सर एक व्यक्ति क्या तीनों हो सकता है एक ही साल में? तो मेरा आंसर है नो। या तो वो ओ आर होगा या एन ओ आर होगा एन आर होगा, एक साल में एक ही होगा। सर नेक्स्ट ईयर चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है जी, डिपेंड ऑन स्टे इन इंडिया, वो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। तो देखिए ये पता करना है कि ओ आर एन ओ आर एन आर, तो देखिए हमारी गवर्नमेंट ने हमें बताई दो बेसिक कंडीशंस,
प्लीज जो भी मैं लिख रहा हूं आप लोग लिखते रहिएगा, अगर आपने एक सेटिस्फाइड कर दी तो आप राइट हैंड बन जाएंगे और आपने एक भी नहीं की तो आप नॉन राइट हैंड बन जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, एक बार आपने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, क्या हुआ सर, ये बेसिक कंडीशन ओवर का है। अभी मेरे को एक बार लिखने दो, लिखने दो सारा। मैंने अभी केवल एक ग्राफ बनाया, अभी मैंने लॉ तो लिखा ही नहीं है, प्लीज वेट। चलिए, अब एक बार आप रेजिडेंट बन गए तो फिर आपकी दो एडिशनल कंडीशंस हैं जो आपको सेटिस्फाइड करनी होती हैं। दो एडिशनल कंडीशंस हैं, अगर आप दोनों सेटिस्फाइड करेंगे तो ओ आर बनेंगे, एक करेंगे एक नहीं करेंगे तो एन ओ आर बनेंगे। सो बेसिकली हमारी दो बेसिक कंडीशंस होंगी, उनमें से एक सेटिस्फाइड करोगे आप रेजिडेंट बनोगे और एक भी नहीं करोगे तो आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। और एक बार आप रेजिडेंट बन गए, मतलब अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, तो फिर ध्यान रखना फिर एडिशनल कंडीशंस आएंगी आपकी, और अगर आप दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे तो आप ओ आर कहलाएंगे, अदरवाइज आप एन ओ आर कहलाएंगे। अब बात आती है सर ये कंडीशंस क्या है, मैं बताता हूँ आपको ये कंडीशंस क्या है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। देखिए बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन नंबर वन, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर इन इंडिया, इन इंडिया। अब सर ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है प्रीवियस ईयर हमारा कहां से कहां तक है। तो देखिए प्रीवियस ईयर हमारा हो गया 1420 से 31 मार्च 21, दिस इज आवर प्रीवियस ईयर। अब हमसे गवर्नमेंट चाहती है कि हम इस पूरे पीरियड में क्या 182 डेज इंडिया में हैं, अगर हैं तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं है। चलिए साहब यहां तक भी बात समझ आई। अब सबसे पहली बात यह आती है कि सर 182 डेज क्या हमें कंटिन्यूअसली रहना होगा, एक बार आगे तो पूरे 182 डेज रह के जाएंगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, या सर हम आते रहे और जाते रहे पर कुल मिलाकर 182 डेज इंडिया में रहें। तो मेरा आंसर भैया आते रहो जाते रहो पर कुल मिलाकर आपको ड्यूरिंग द प्रीवियस यानी इस पीरियड में 182 डेज इंडिया में रहना जरूरी है, 182 डेज आपका इंडिया में रहना जरूरी है। अगर आप 182 डेज इस पीरियड में रह लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी, अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं मानी जाएगी। चलिए सर दूसरा, सर मैं आया 100 डेज में दिल्ली में रहा और 90 डेज में मुंबई में रहा, तो सर क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई? यस, दिल्ली भी इंडिया में है और मुंबई भी इंडिया में है, 190 डेज हो गए, कंडीशन सेटिस्फाइड। अच्छा सर मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में इंडिया और ये हमारा वाटर 12 नॉटिकल माइल, और नहीं बताया तो कोई बात नहीं बताता हूँ। इंडिया के जैसा आपको पता है पूरे वर्ल्ड में इतना सारा पानी है, तो कुछ पानी हमारे हिस्से में भी आया, तो ये हमारे हिस्से में जो आया वो 12 नॉटिकल माइल वाटर आया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर रहता हूँ 180 डोज और इस पानी को पार करने में मुझे लग जाते हैं 3 डेज, और इंडिया यहां तक मानी जा रही है यहां तक, तो बताइए मेरा स्टे इन इंडिया 183 डेज हुआ या नहीं हुआ, फटाफट लिख के बताएं। यस बिल्कुल ठीक, अब सुने मेरी बात, अब सुने मेरी बात। अच्छा अब सर एक बात और बताइए, ये 182 डेज की बात आप कर रहे हैं, आपने कहा आते रहो जाते रहो कुल मिलाकर 182 डेज रहो, ठीक है साहब, प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए जिसका भी है, प्लीज मुझे बार बार ना बोलना पड़े, डिस्टर्ब होगी क्लास। देखिए इसमें अब क्या है कि मैं मान लीजिए इंडिया आया, तो गवर्नमेंट हमारी कह रही है, आपने सुना भी होगा अगर रेजिडेंशियल स्टेटस आप पढ़ के बैठी होंगे, ऐसी बात नहीं है, तो आने वाला दिन और जाने वाला दिन इंडिया में काउंट करते हैं, कि माना जाएगा कि आप जिस दिन आए उस दिन इंडिया में रहे और जिस दिन गए इंडिया में रह के गए। अब इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आप देखिए T3 पर जाके कभी खड़े हो जाइए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल फ्लाइट्स ज्यादातर ऑलमोस्ट 70%
रात को 12 से 4 के बीच टेक ऑफ और लैंड होती है। अब बताइए कोई रात को 12 बजे आ गया तो हमारे देश में रह के नहीं रहा, और 12 बजे चला गया तो रह के गया कि नहीं गया। इसलिए आने वाला दिन और जाने वाला दिन इंडिया में काउंट होता है। फिर हमसे गवर्नमेंट ने एक बात कही कि साहब अगर अगर मान लीजिए 182 डेज नहीं हुए, हमने कहा जी हम तो 182 डेज नहीं रहे। गवर्नमेंट बोली कोई बात नहीं, खुश मत हो, ये ले एक और कंडीशन। गवर्नमेंट ने एक और कंडीशन लगाई और कंडीशन नंबर 2 है हमारी, 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर इन इंडिया, इन इंडिया प्लस 365 डेज और मोर इन 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। गवर्नमेंट बोली अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप ये देखिए क्या ये कर रहे हैं आप। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सपोज मैं इस पीरियड में 75 डेज इंडिया में रहा, 75 डेज इंडिया में रहा, तो देखिए ये वाली कंडीशन तो मैंने सेटिस्फाइड कर ली इतनी वाली, बट ये कंडीशन तब तक पूरी नहीं होगी जब तक मैं ये भी पूरी नहीं सेटिस्फाइड करूं। ये अब वो क्या कह रहे हैं कि साहब प्रीवियस ईयर में आप 60 डेज या उससे ज्यादा हैं तो मैं 75 डेज रहा। ये देखिए मैं 75 डेज रहा। अब प्रीवियस ईयर से पहले 4 साल, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर से पहले, और वो कह रहे हैं 4 साल। तो देखिए 2021 ये है तो प्रीवियस ईयर 1920, 1890, 1780, 1670। अब मैं यहां पर भी जैसे मैंने यहां 70 डेज मान के लिख दिए थे ऐसे यहां लिख देता हूं। मान लो यहां 200 डेज रहा, यहां 100 डेज रहा, या 90 डेज रहा, और यहां मैं मान लीजिए 50 डेज रहा। हमारी गवर्नमेंट बोली प्रीवियस ईयर में या तो आप 182 डेज सेटिस्फाइड करो या 60 प्लस 365, तो देखो 60 की जगह 75 कर दिया, और ये टोटल करूंगा मैं तो ये हो गया 440 डेज, 440 दिन। सो इन 440 डेज का मतलब हो गया कि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। सो ध्यान रखना ये पूरी कंडीशन है, आपको पूरी सेटिस्फाइड करनी होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर में 60 या उससे ऊपर, 60 और मोर होने चाहिए, और प्रीवियस ईयर से पहले 4 सालों में 365 डेज और मोर होने चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाइड हुई तो 2 में से 1 सेटिस्फाइड होते ही आप क्या बन गए, रेजिडेंट बन गए। यानी 2 में से 1 सेटिस्फाइड करेंगे तो आप क्या बनेंगे, रेजिडेंट बनेंगे, और अगर आपने एक भी सेटिस्फाइड नहीं की तो आप बन गए नॉन रेजिडेंट। तो मैं समझता हूं यहां तक आपको एकदम क्लियर है, फटाफट से लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब देखिए मेरी बात आगे, पीपीवाई का मतलब प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से पहले, प्रीवियस ईयर से पहले। अंसारी जी टाइम बहुत कम है, ध्यान से सुने आप, अगर ऐसी मैं बार बार ये कंडीशन रिपीट करूंगा तो सिलेबस जो कराना है मुझे वो नहीं करवा पाऊंगा मैं, ठीक है। क्लास को करो ढंग से और ध्यान से सुनो आप, अगर आपका ध्यान इधर हो जाएगा। मैंने ये बात कम से कम 4 बार बोली आपने और फिर कह रहे हो एक बार और रिपीट कर दो। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपने सेटिस्फाइड करनी है तो आप कहलाएंगे रेजिडेंट, और अगर आपने इनमें से एक भी नहीं की तो आप कहलाएंगे नॉन रेजिडेंट। मैं फिर से बता रहा हूं, फास्ट ट्रैक ध्यान से सुन लें। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, आपका असेसमेंट ईयर 21-22 लगेगा तो प्रीवियस ईयर 20-21 हो गया। 182 डेज है तो प्रीवियस ईयर में रहिए, और अगर आप वहां नहीं रहे तो उससे पहले, मतलब सॉरी दूसरी कंडीशन होगी कि अगर प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ऊपर रहे चलेगा, और उससे पहले, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर से पहले, प्रीवियस ईयर से पहले। तो प्रीवियस ईयर से पहले अगर मान लीजिए 4 साल में आप 365 डेज या उससे ऊपर रहेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाए। सो 2 में से 1 सेटिस्फाइड होते ही आप रेजिडेंट बन गए, और एक भी नहीं की तो नॉन रेजिडेंट। इस पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ, आपके एग्जाम में असेसमेंट ईयर 21-22 लगेगा, पहले तो ये दिमाग में बैठा लो आप। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ
वो अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ईयर 21-22 के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। इज दैट क्लियर? तो ये जो आपने लिखा है सर, जैसे असेसमेंट ईयर 20-21, तो अगर 20-21 है तो फिर उससे प्रीवियस ईयर हो गया 19-20। और देखो एक बात बड़ी क्लियर है, अगर आप प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स देते हो, अगर क्या आप देते हो प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स हो, तो रेजिडेंशियल स्टेटस भी प्रीवियस ईयर का ही निकालना होता है, भले ही वहां लिखा है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है भैया, ये असेसमेंट ईयर है तो इसके प्रीवियस ईयर की जो इनकम है उस पर आपने टैक्स देना है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस भी उसी प्रीवियस ईयर का आपको लेना होगा। ओके ठीक है, चलिए देखिए एक छोटा सा मैं सवाल ले रहा हूं आपके साथ, फटाफट से जल्दी से इसको करना, टाइम मत खराब करना। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार पढ़ो इसे, सब लोग पढ़े, मिस्टर साई वाला, फटाफट से। सर क्वेश्चन शो फाइनेंशियली नहीं ये हो रहा। क्या नहीं सो रहा? अच्छा ये बुक सो नहीं हो रही, क्वेश्चन क्वेश्चन सो रहे हैं। ओके 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 मैं देखता हूँ। सर मैथ से पढ़ा रहे हो सर सीएमए वाले? ये देखिए अब दिख रहा है आपको, आप सर यस सर फटाफट ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। दिख हाँ रहा है? जी पूरा नहीं, हाँ पूरा नहीं दिख रहा है, हाफ दिख रहा है। क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा? उसने स्क्रीन ज़ूम करके रखी रहेगी। हाँ सही कह रहा है वो, आपने स्क्रीन को जूम कर रखा है। हाँ जी दिख गया सर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, साई लेफ्ट फॉर फर्स्ट टाइम 20 जुलाई 2009 को, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर केम टू इंडिया फॉर ऑन 29 जून फॉर 53 डेज। अब बताओ प्रीवियस ईयर में वो 53 डेज के लिए आया, सब लोग बताओ, अब मुझे सब लोग आराम से बताओ कि इनमें से कोई कंडीशन, ये वाली स्क्रीन दिख रही है मेरी? ये हाँ ये दोनों स्क्रीन ये दिख रही है स्क्रीन जो मैं अभी दिखा रहा हूँ? यस सर। हाँ तो बताओ इनमें से कोई सेटिस्फाइड हुई दोनों में से? नो नो। तो क्या बन गया वो? नॉन नॉन रेसिडेंट। क्लियर? ठीक है, दोनों में से कोई भी एक नहीं हुई तो क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। बिल्कुल सही आंसर आया, बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्लीज अपने माइक जो है अब म्यूट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए हमसे कहा गया एडिशनल कंडीशन के बारे में, तो देखिए एडिशनल कंडीशंस क्या हैं। अब एडिशनल कंडीशन लिख रहा हूं मैं, वो भी लिख लीजिए। पहली एडिशनल कंडीशन है एटलीस्ट 2 ईयर्स रेजिडेंट आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, और इसके बाद एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होंगी। 730 डेज और मोर इन 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, दोनों कंडीशन हमारी ये हैं। अब हमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होंगी, अगर हमने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की तो बनेगा NOR, अदरवाइज OR। दोनों सेटिस्फाइड करने पर OR, एक करूं या एक भी ना करूं तो NOR। अब ये देखिए कंडीशन क्या है, फटाफट से हम देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर से पहले 10 साल, तो जरा बताओ 4 ईयर्स मुझे यही लेने पड़ेंगे या नहीं लेने पड़ेंगे, फटाफट बताओ। देखो प्रीवियस ईयर से पहले 10 साल और प्रीवियस ईयर हमारा 2021 है, तो 4 साल तो यही लेने पड़ेंगे सेम। पूरे 10 साल लेने हैं, ये हो गए 10 साल, और जो हमारे 4 साल के डेज थे वो एज इट इज कॉपी कर रहा हूं मैं। मान लीजिए यहां तो कोई कॉपी हो सर, गया। वो क्या लिखा है, एटलीस्ट 20 एटलीस्ट 2 ईयर्स रेजिडेंट रेजिडेंट
वो ऐसे ऐसे इंडिया में रहा। प्लीज अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। लॉ में ये लिखा हुआ है साहब कि एटलीस्ट टू इयर्स रेजिडेंट, कम से कम 2 साल रेजिडेंट होना जरूरी है प्रीवियस ईयर से पहले 10 साल में। तो प्रीवियस ईयर से पहले 10 साल मैंने ये लिख लिया आपके सामने, और ये डेज भी मैंने अपने आप ऐसे लिख दिया, एज्यूम कर लिया कि इतने इतने दिन रहा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एज्यूम बेस्ड ही कर रहा हूँ, मैंने कोई बुक का क्वेश्चन नहीं लिया, अपने ही उठा के ऐसे लिख दिया। अब देखिए 10 में से 2 साल रेजिडेंट, जरा देखना रेजिडेंट इनमें से एक सेटिस्फाइड करने पर बनता है कि नहीं बनता है इन दोनों में से, बोलो हाँ है ना। तो देखिए अब स्थिति यह है कि मुझे ये जो काम मैंने अभी एक बार किया था, अब 10 बार चेक करना होगा, और 10 बार चेक करना है तो 1920 में देखना है कि वो रेजिडेंट है कि नहीं। देखिए 200 दिन है, इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए थी, 200 डेज है, पहली सेटिस्फाइड हुई और बन गया रेजिडेंट। क्या बन गया? रेजिडेंट। अब दूसरा देखेंगे इस ईयर में रेजिडेंट है कि नहीं, जरा देखिए यहां 100 डेज है, इसका मतलब बड़ा क्लियर है 182 डेज तो है नहीं, ठीक है सर 60 है, हाँ जी हाँ 60 है, पर ये वाली कब तक कंप्लीट नहीं है? जब तक उससे पहले 4 साल। अब देखिए 1920 में 100 है, ठीक है 60 डेज वाली हो गई, अब उससे पहले 4 साल, ये 4 साल हुए। अब देखिए 4 साल का टोटल करूं मैं तो 365 डेज से ऊपर जा रहा है, देखिए 556 690 हो रहा है, इसका मतलब ये वाला भी रेजिडेंट बन गया। अब मुझे मान लो 90 ये वाला देखना है, 90 डेज वाला, तो बताइए 90 डेज में फिर से मुझे चेक करना होगा कि कौन सी सेटिस्फाइड हो रही है दोनों में से। सर ये हो रही है, कोई बात नहीं ये हो रही है, लेकिन उससे पहले 4 साल, हाँ जी 365 भी हो रहे हैं, 365 भी हो रहे हैं, इसका मतलब रेजिडेंट। अब बताइए 50 डेज है, इसके आगे मैं क्या लिखूं? सब लोग फटाफट बताइए 50 डेज क्या लिखूं इसके आगे? नॉन रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक, क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। 300 डेज है, पहली वाली हो गई, 250 डेज है, पहली वाली हो गई, 160 है, तो मुझे इससे पहले 4 साल, 3 है, कोई बात नहीं, पर 3 में भी 365 हो रहा है, हाँ जी 400 हो रहा है, तो लो जी ये भी रेजिडेंट। अब 10 डेज वाला बताओ सब लोग क्या लिखूं इसके आगे? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट, रीजन रीजन साफ है, कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, 200 है तो फिर 182 डेज वाली हो गई, और 190 है तो फिर 182 डेज वाली हो गई। सो हम प्रीवियस ईयर से पहले 10 साल जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा उन 10 साल के डेज लिख लेंगे, और फिर इंडिविजुअली चेक करेंगे रेजिडेंट है कि नहीं। हमें कितने रेजिडेंट चाहिए? 2। अब देखेंगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेजिडेंट हो गए, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि प्रीवियस ईयर से पहले 7 साल, ये देखिए यहां तक 7 इयर्स, इससे पहले 7 साल आपके ये हुए। हाँ जी सर, ये 2012 एंड 13 में सर जो है सर, ये नॉन रेजिडेंट क्यों सर? रेजिडेंट नहीं होगा सर, 200। मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है ये सर? 12-13 को सर, 12-13 10 दिन है बेटा सर, लेकिन सेकंड कंडीशन तुमने पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पहले कभी? यस सर। ये कितने दिन है ये सर? 10 दिन है, ये तो पता है सर, मैं सर उसके लिए बात कर रहा हूँ सर, फर्स्ट जो हमने बेसिक कंडीशन पढ़ी थी। हाँ ये लो, ये भी बेसिक कंडीशन, अब बताओ सर 365। अच्छा ओके सर, 60 डेज होता बेटा है, वही मैं कह रहा हूँ मिनिमम, देखो एक बच्चे ने लिख भी दिया कि मिनिमम 60 तो होने चाहिए, ठीक है ध्यान से पढ़ो, ठीक है। चलिए अब मुझे यहाँ से यहाँ तक के डेज काउंट करने हैं, तो ये 7 इयर्स के डेज देखते हैं कितने हो गए, 300 देखना, 1150 आ रहे हैं क्या? आई थिंक 1150 है, है ना? यस सर। अब जरा बताओ चाहिए कितने, 730, और हो कितने गए, 1150। तो बताइए ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाइड, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो बन गया ओआर, और इनमें से एक हुई या एक भी नहीं हुई तो बन गया एनओआर। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, फटाफट बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फटाफट फास्ट ट्रैक करना है आपने। देखिए ये
ये मिस्टर पी वाला पढ़ो एक बार और फिर मैं ऐसे फटाफट समझा देता हूँ आपको कि एग्जाम में भी कैसे करके आना है। देखिए इस क्वेश्चन में 16 अप्रैल 2010 को पी इंडिया आया और वो 5 अक्टूबर 2020 तक इंडिया में रहा, 20 तारीख तक दिल्ली में और उसके आगे आगरा में, इससे कोई मतलब नहीं है, 5 अक्टूबर तक वो इंडिया में था। हमें रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, ध्यान से देखना। देखिए हमें सबसे पहले लिखना होता है अपना प्रीवियस ईयर, ये। अब हमें देखना है कि यहां पर इस प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन रहा, सबसे पहला काम ये करना है हमें। अब देखिए वो अप टू 5th अक्टूबर 2020 इंडिया में था, चाहे आगरा में था या दिल्ली में था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखिए हम डेज कैसे काउंट करेंगे, अप्रैल यहां से, और यहां से वो यहां तक इंडिया में था, तो अप्रैल में 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये डेज में काउंट करूं तो ये बैठते हैं 188 डेज। अब दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी थी, हाँ जी 182 डेज वाले हो गई, रेजिडेंट बन गया। अब उससे पहले 10 साल लिख दिए, पूरे 10 साल लिख दिए सर। अब इन 10 साल में, क्योंकि वो 16 अप्रैल 2010 को आया था, यानी कि इस ईयर में आया था, इस वाले ईयर में, और उसके पहले मतलब यहां से यहां तक वो हमेशा इंडिया में था, तो इसका मतलब 366, क्योंकि 1920 है, इसी क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं मैं आपको, 1920 है, 366 है ना, क्योंकि लीप ईयर है तो ध्यान रखना है, फिर 365 ऐसे कर करके लिखते रहेंगे, 365 और ऐसे कर करके लिखते रहेंगे, तो बताइए हर बार 182 डेज वाली सेटिस्फाइड हो रही है ना। और लास्ट ईयर में वो 10-11 में 365 में 16 अप्रैल को इंडिया आया, इसका मतलब 15 दिन इंडिया से बाहर रहा, 350 डेज, तो ये भी रेजिडेंट। हमें चाहिए 2 रेजिडेंट और 10 में से 10 और रेजिडेंट हो गए, और बताइए 7 साल में 730 दिन भी हो गए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, क्वेश्चन में क्या बन गया वो क्वेश्चन बन गया ऑर्डिनरी रेजिडेंट, देख लीजिए आंसर भी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बताइए समझ आए, फटाफट से बताएं। चलिए अब देखिए हमारी गवर्नमेंट ने हमें बोला कि भैया ये जो कंडीशन है ना, ये वाली सेकंड कंडीशन, ये वाली कंडीशन सेकंड, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस ध्यान से सुनना, एक्सेप्शन मेरे साथ साथ लिखते भी रहना, एक्सेप्शंस टू बेसिक कंडीशन नंबर टू। नंबर वन, इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज ए क्रू मेंबर। प्लीज ध्यान से सुनना, जिस क्वेश्चन में ये तीन बातें आ जाए, एक दो और इन दोनों में से कोई एक, वो क्वेश्चन हो गया आपका एक्सेप्शन का, मतलब मिस्टर एक्स एंड इंडियन सिटीजन, एग्जाम में आप रेड पेन लेके जाएं और जो आपका पेपर है, कॉपी पे नहीं पेपर पे, आप इन्हें अंडरलाइन करना शुरू करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब क्वेश्चन पढ़े तो अंडरलाइन, पढ़ते वक्त ही अंडरलाइन कर दें। और जैसे ही इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ध्यान से सुनना, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है और सर्विस वगैरह जॉब वगैरह भी है, तो आप बाहर मतलब इंडिया छोड़ के जा रहे हैं बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए या एज ए क्रू मेंबर। क्रू मेंबर क्या होता है, मान लो मैं किसी शिप पर जॉब करता हूं, मैं शिप का एम्प्लॉय हूं, अब शिप जहां जाएगा तो मुझे भी जाना पड़ेगा साथ, तो आई विल बी कॉल्ड क्रू मेंबर, राइट। जैसे ही किसी क्वेश्चन में इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज ए क्रू मेंबर, इन एक दो और इनमें से कोई एक बात हो जाए तो क्वेश्चन हो गया आपका एक्सेप्शन का। और एक्सेप्शन होते ही गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ये जो 60 डेज है ना, अब इसकी जगह 182 डेज ले लो। अब देखो कंडीशन क्या हो गई, प्रीवियस ईयर में 182 डेज और
प्रीवियस ईयर में 182 डेज प्लस प्रीवियस ईयर से पहले चार साल में 365 डेज, तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि भैया इस कंडीशन को मत देखो, जैसे ही आप एक्सेप्शन में गए आपको केवल एक कंडीशन देखनी है, 182 डेज प्रीवियस ईयर में है या नहीं, अगर है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। इंडियन सिटीजन हम लोग कैसे हैं, भाई बोलते हैं हमें पता ही है, और लिविंग इंडिया, इंडिया छोड़नी चाहिए, नहीं कि मान लो मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं और बस आता जाता रहता हूं, ये नहीं चलेगा। छोड़ के मैं या तो एम्प्लॉयमेंट के रूप में जा रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हूं, या मैं एज ए क्रू मेंबर जा रहा हूं, राइट। अब बात यह आती है कि सर ये आपने बिल्कुल बता दिया कि बेसिक कंडीशन एक ही रह जाएगी, जरा फटाफट से सोच के बताओ गवर्नमेंट ने असेसी का फायदा किया या नुकसान किया, ये कंडीशन हटी तो उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फटाफट बताओ फायदे में है नुकसान में। बिल्कुल फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ। कैसे हुआ फटाफट सुन लीजिए, फायदा ऐसे हुआ कि पहले वो 60 दिन में रेजिडेंट बन जाता था, अब वो 181 डेज बिना टेंशन के इंडिया में रह सकता है, रेजिडेंट नहीं है, 182 डेज होगा तो रेजिडेंट बनेगा। सो हमारी गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन को एडवांटेज दिया कि भैया तू अगर ये एक्सेप्शन में आ रहा है, हमारा सिटीजन है, है तो हम तुझे क्या करेंगे, हम तुझे 182 दिन अगर रहेगा तो रेजिडेंट बनाएंगे, अगर 182 डेज से कम रहा तो नॉन रेजिडेंट। अब तुझे क्या फायदा होगा, अगर तू 182 डेज रहेगा तो रेजिडेंट बनेगा, 181 डेज तक नॉन रेजिडेंट रहेगा, तो नॉन रेजिडेंट रहेगा तो केवल उसी इनकम पे टैक्स देगा जो तूने इंडिया में अर्न किया, इंडिया में रिसीव की। लेकिन अगर तू रेजिडेंट बन जाता है और ओआर बन जाता है तो फिर वर्ल्ड में कहीं भी इनकम अर्न करेगा इंडिया में टैक्स देगा। तो हमारा सिटीजन इंडिया छोड़ रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट और एज ए क्रू मेंबर, तो उस केस में हमारी गवर्नमेंट बोली कि भैया ऐसा है तुझे 182 डेज इंडिया में रहना है, तब तुझे रेजिडेंट बनाएंगे, अदरवाइज तू नॉन रेजिडेंट रहेगा। बताइए एक्सेप्शन समझ आया? चलिए अब होता है एक फॉरेन बाउंड शिप, फॉरेन बाउंड शिप। अब ये क्या है ध्यान से सुनना, इसे भी ये ऐसा शिप है जो विदेश जाता है, फॉरेन कंट्री जाता है। अब आप एक बताइए इस शिप पर भी तो हमारे एम्प्लॉय होंगे इंडियन, बिल्कुल होंगे जी। अब मान लीजिए इस शिप पर कोई इंडियन एम्प्लॉय है और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, या कोई भी एम्प्लॉय है हमारे देश में कितने दिन रहा हमें ये चेक करना है, तो हम कैसे चेक करें ध्यान से देखना। फॉरेन बाउंड शिप जब हम ये शिप ज्वाइन करते हैं तो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इसे हम जैसे ही साइन करते हैं तो हमें माना जाता है हम इस शिप में एंट्री कर गए। और जब इंडिया ये लौट के आता है तो फिर हम दोबारा साइन करेंगे सीडीसी में, तो ये साइन इन था और ये साइन ऑफ, ये साइन इन और साइन ऑफ। गवर्नमेंट बोली ये पीरियड माना जाएगा आपका आउटसाइड इंडिया, प्लीज ध्यान से सुनना, आउटसाइड इंडिया। यानी अगर कोई हमारा इंडियन सिटीजन इस पे जॉब कर रहा है फॉरेन बाउंड शिप पर जिसका काम है विदेशी यात्रा करना, तो जब हमारा वो एम्प्लॉई इस शिप पे जाएगा तो जाने में साइन करेगा और जब बाहर आएगा तो बाहर आने में भी साइन करेगा, तो साइन इन और साइन आउट। वो कह रहे हैं ये पीरियड इंडिया से बाहर माना जाएगा। अब बताइए हमारे टोटल डेज ईयर के कितने हैं, 365 या 366 जो भी है, और उसमें से मैं ये पीरियड माइनस कर दूं तो जरा बताना ये पीरियड स्टे इन इंडिया आया या नहीं आया, फटाफट बताओ ये पीरियड स्टे इन इंडिया आया कि नहीं आया। बिल्कुल आया साहब स्टे इन इंडिया, और जैसे ही स्टे इन इंडिया आ गया हमारी गवर्नमेंट बोल रही है बस ये देख लीजिए ये 182 डेज है या नहीं, 182 डेज है या नहीं, बस अगर 182 डेज है तो तुम रेजिडेंट हो, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट हो। तो बताइए फॉरेन बाउंड शिप का भी समझ आया, बोलो हाँ या ना। तब एक बार और रिपीट कर देता। कुछ नहीं है दोस्त, इसमें ध्यान रखना है कि जब एम्प्लॉई शिप के अंदर जाएगा तो साइन करता है, और शिप से जब बाहर आएगा तो देखो जाएगा जब विदेश जा रहा है शिप तो जाएगा तब साइन कर रहा है, और जब वो बाहर आना चाहता है यानी कि शिप इंडिया आ चुका है वापस घूम घाम के, तो वो साइन फिर करेगा उसी सर्टिफिकेट पे, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे। तो गवर्नमेंट कह रही है ये वाला जो पीरियड है वो आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। अब आप मान लो ये फॉर एग्जाम्पल मान लो वो 125 डेज रहा, तो इसका मतलब इंडिया में कितने दिन रहा, 240 डेज, यानी टोटल ईयर में से नंबर ऑफ डेज में से जितना पीरियड वो बाहर रहा वो मैं माइनस कर दूं,
तो स्टेन इंडिया आ जाएगा, और ये मेरे को 182 डे चाहिए। अब देखिए इस केस में 240 है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड, तो क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए अब एक्सेप्शन अगला लिखें, मेरे साथ साथ ही लिखते रहिएगा प्लीज। इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन, सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन ए विजिट, ऑन ए विजिट। प्लीज लिखें ये, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, कम्स टू इंडिया ऑन ए विजिट। हाँ बिल्कुल गौतम, ये फॉरेन बाउंड शिप जो है एक्सेप्शन में आएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए साहब अब मैं समझता हूँ ये लिख लिया होगा, अब मैं ऐसे भी एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज। इंडियन सिटीजन तो हम सब लोग हैं ही, कैसे बनते हैं, बाई बर्थ, ठीक है। अच्छा अब बात क्या होगी कि इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन क्या होता है, ध्यान सुनना। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में अगर जन्म लिया है उनने, किसी एक ने भी, तो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर तक पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जन्म लें, सबके सब कहलाएंगे इंडियन ओरिजिन। फिर से बोल रहा हूं, दादा दादी नाना और नानी ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, किसी एक का भी जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हो गया, मतलब बंटवारे से पहले, तो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर तक वर्ल्ड में कहीं भी पैदा हो, कहीं भी जन्म लें इंक्लूडिंग इंडिया, They all will be called Indian origin. एक example से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। Suppose बंटवारे से एक दिन पहले मेरे father, मेरे दादाजी का जन्म हुआ, मेरे दादाजी का, grandfather का, मेरे grandfather के father उनको बंटवारे के बाद लाहौर ले गए, यानी पाकिस्तान गए। अब मेरे दादाजी के यहाँ मेरे father का जन्म हुआ, तो father Indian origin। मेरे father के यहाँ मेरा जन्म हुआ लाहौर में ही मान लीजिए, तो मैं भी Indian origin। बट अब मेरे यहाँ मेरे बेटे का जन्म हो रहा है, तो वो इंडियन ओरिजिन नहीं, पाकिस्तानी कहलाएगा। क्लियर? सो ध्यान रखिएगा, दादा दादी नाना नानी किसी एक का भी जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, तो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर तक वर्ल्ड में कहीं भी जन्म ले, सब के सब कहलाएंगे इंडियन ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए कोई इंडियन ओरिजिन। हाँ जी सर, अगर जैसे आपने बोला कि फादर करेंगे, बर्थ होंगे, तो जब पाकिस्तान में बर्थ होगा आपका, तो आपका पाकिस्तान में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट बोली कि बस दादाजी का बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो कि वो बंटवारे से पहले पैदा हुआ कि नहीं हुआ। ओके हाँ ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये बाहर सेटल्ड है, जैसे एक पिक चलती DDLJ, उसमें अमरीशपुरी साहब बाहर सेटल्ड थे, ड्यूरिंग द ईयर इंडिया आए बठिंडा, है ना, तो वो ऑन ए विजिट। अगर ऐसा कोई व्यक्ति बाहर सेटल और इंडिया आ रहा है घूमने के लिए, तो फिर से उसके लिए एक ही बेसिक कंडीशन है, और वो है अगेन 182 days, only one basic condition, one basic condition, ठीक है? यहां तक क्लियर है? फटाफट बताएं। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं जो अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान से सुनना प्लीज, पूरा फोकस यहाँ रखना, ये अमेंडमेंट है इस बार एग्जाम में, और एग्जाम में अमेंडमेंट जरूर आता है। कुछ बच्चों ने शुरू में भी लिखा है कि सर अमेंडमेंट कराएंगे, यस मैं आपको जो भी करा रहा हूँ वो विद अमेंडमेंट करा रहा हूँ, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो करा रहा हूँ। देखिए अमेंडमेंट आपको दिखाता हूँ पहले कहाँ पर है, ये देखिए भाई ये है अमेंडमेंट, ठीक है, ये अमेंडमेंट है। देखिए अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन है, तो हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि उसके लिए कुछ और कंडीशन एक और लगा दी, और बेसिक कंडीशन देखिए दो फिर से बना दी। चलिए पहले बता देता हूं, सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, यानी मैं फॉरेन सोर्सेज की इनकम छोड़ दीजिए, फिर देखिए फिर कंफ्यूज किया, इनकम विच एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, मतलब जो हमने बाहर अर्न की वो फॉरेन सोर्स की इनकम मान ली गई, फिर देखिए यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ, एक्सेप्ट इनकम From a business or profession set up in India, but control from India कह सकते हैं वो वाला।
अब ये एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, कोई बात नहीं, एंड विच इज नॉट डीम टू एक्रू अ रेज इन इंडिया, चलिए एक्सीडिंग 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी ट्रीटेड रेजिडेंट इन इंडिया इफ, और फिर दो कंडीशन, एक 182 डेज वाली और एक 120 डेज प्रीवियस ईयर में और उससे पहले चार साल में 365 डेज, यानी 60 की जगह 120 दिन। तो सर ये तो समझ आ गई कंडीशन, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ 60 की जगह 120 है वो हमें समझ आ गया, ये क्या कहानी है? तो देखिए मैं इसे साधारण शब्दों में लिख रहा हूं, आप प्लीज वही लिखें जो मैं यहां लिखना लिख रहा हूं, तो आपके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो जाएगा, लिखें आप प्लीज। इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन के लिए है ये, देखिए जो उन्होंने बोला वो ये बोला कि इंडियन इनकम, इसका मतलब ये हुआ इंडियन इनकम प्लस इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से उसका मैनेजमेंट हो रहा है, देखा जा रहा है वो, ये और ये, और ये दोनों जोड़ दीजिए आप, और वो कह रहे हैं ये एक्सीड कर जाए 15 लाख। इंडिया में जो इनकम अर्न है इंडियन इनकम, और ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन से जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ये दोनों इनकम जोड़ने के बाद अगर ये आपका 15 लाख से ऊपर निकल गया तो फिर हमारी गवर्नमेंट बोली कि भैया ऐसे व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा। देखिए इसके लिए बेसिक कंडीशंस लिखते रहिएगा प्लीज, बेसिक कंडीशन, ये अमेंडमेंट है, मैं यहां लिख रहा हूं अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, और ये इसी साल आया है। अब देखिए कंडीशन क्या है जी, पहली कंडीशन है 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर इन इंडिया, और बस छोटा सा चेंज 60 की जगह 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर इन 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस, बस ये बदलाव है थोड़ा सा, कि अगर कोई ऐसा इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन है जिसकी इनकम इंडियन इनकम और ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम जो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है 50 लाख से एक्सीड कर जाए, एक्सीड, तो उसके लिए बेसिक कंडीशन ये है, इन दोनों में से एक सेटिस्फाइड करेगा ऐसा व्यक्ति तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट, और एडिशनल्स आर रिमेन अनचेंज्ड, वो सेम रहेंगे। तो बताइए ये समझ आई कि नहीं आई कहानी? सर 50 लाख या 15 लाख? बेटा मैंने 15 लिखा, ये दिख तो रहा है आपको, 50 कहाँ लिखा है मैंने? सर आपने 50 प्रोनाउंस किया इसलिए डाउट हुआ। बेटा ये छोटी छोटी गलतियां पकड़ोगे ना तो कैसे सीखोगे आप? 15 लाख 15 लाख है ये, ठीक है। चलिए अब सर, अब यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। सर एक चीज पूछनी थी जी, सर जो स्टेटमेंट आपने दिखाई थी उसके अंदर लिखा था कि एक्सेप्ट द बिजनेस, सर फॉरेन वाली इनकम भी आ रही थी उस स्टेटमेंट के अंदर, सर वो होगी इसके अंदर? जो मैंने ये बोला ये ध्यान से देखो, सर ये तो समझ में आ गया। हां सर वो पॉइंट तो नहीं है ना इसके अंदर जो फॉरेन इनकम वाला है? बेटा वो एक्सेप्ट बोल रहे ना, वो एक्सेप्ट बोल रहे ना। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। पढ़ो एक स्टेटमेंट जरा, लो ये एक्ट की लैंग्वेज कॉपी की है मैंने, और एक्ट से ऊपर ना आप हो ना मैं हूं, कोई नहीं है दोनों में से, और ना कोई और आसपास बैठा है, वो भी नहीं है। सर बेसिक कंडीशन दिखाना एक बार, हो गया? यस सर। अगर लिखने में टाइम लग रहा है ना पिक्चर क्लिक कर लिया कीजिए, टाइम बचेगा। चलिए अब हम बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, HUF की, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा। उसकी बेसिक कंडीशन एक है, बिजनेस ऑफ HUF सिचुएटेड एनीवेयर बट
कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया। देखिए कंट्रोल्ड एंड मैनेज का मतलब क्या है। देखिए बिजनेस के HUF की फुल फॉर्म है जी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। चलिए कंट्रोल्ड एंड मैनेज का मतलब क्या है। बिजनेस के डे टू डे अफेयर्स के बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो लेने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल कि मान लीजिए बिजनेस में हम अभी तक HUF का बिजनेस था और वो एक महीने का क्रेडिट दे रहा था, 1 month क्रेडिट। अब फॉर एग्जांपल इसको 15 दिन पे लेके आना है कि भाई अब क्रेडिट हम 15 डेज का देंगे, तो ये भी एक डिसीजन में आ गया, ये भी पॉलिसी डिसीजन में आ गया। तो अगर ऐसा डिसीजन कोई भी होली और पार्टली, होली का मतलब 100%, पार्टली का मतलब कितना, इवन ए सिंगल डिसीजन, पार्टली का मतलब इवन ए सिंगल डिसीजन। अगर किसी HUF का बिजनेस मान लीजिए फॉर एग्जांपल US में है और इंडिया में कलता आया और कलता ने एक डिसीजन ले लिया, एक भी डिसीजन ले लिया या सारे डिसीजन इंडिया से ले रहा, मान लो कलता इंडिया में ही रहता है तो सारे डिसीजन इंडिया से लेगा, तो ऐसी केस में सारे डिसीजन ले या एक भी ले तो HUF कहलाएगा रेजिडेंट, HUF रेजिडेंट, क्योंकि हम रेजिडेंशियल स्टेटस का निकालेंगे। नहीं सेक्शन के लिए परेशान मत होइए, क्योंकि सेक्शन गलत लिखने से अच्छा है ना लिखो। प्रमोद वेट करो, अभी आएगा ये क्वेश्चन, मैं अभी आप ही से पूछूंगा ये सवाल। चलिए साहब अब बात ये आ रही है कि अगर सारे डिसीजन इंडिया से हैं या एक भी डिसीजन इंडिया से है तो ध्यान से सुनना, HUF रेजिडेंट बनेगा, HUF रेजिडेंट बनेगा, ठीक है। अच्छा सारे डिसीजन आउटसाइड इंडिया है तो HUF नॉन रेजिडेंट बन गया। इसका मतलब साफ शब्दों में ये हो गया कि भैया जो ये बिजनेस है उसका कंट्रोल अगर इंडिया से होली पार्टली हो रहा है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। तो कंडीशन बेसिक सिर्फ ये है। अब एडिशनल कंडीशन क्या है साहब, एडिशनल कंडीशंस, नंबर वन एटलीस्ट 2 years रेजिडेंट आउट ऑफ 10 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड 730 days और मोर इन 7 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। सेम कंडीशंस हमने पढ़ी थी इंडिविजुअल में और वही कंडीशन यहां पर है, तो निश्चित तौर पर ये कंडीशन को इंडिविजुअली सेटिस्फाइड करेगा। जरा बताइए कलता से ज्यादा रिलायबल कोई हो सकता है क्या, करता, करता अगर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा तो HUF बनेगा OR, और करता अगर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं करता तो HUF बनेगा NOR। कलता इन दोनों में से कोई एक भी कलता है तो भी HUF बनेगा NOR। क्लियर, मैं फिर बोल रहा हूं बेसिक कंडीशन सिर्फ इतनी है कि बिजनेस कहीं है कंट्रोल होली पार्टली इंडिया से है तो रेजिडेंट, और होली अगर आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट। तो बेसिक तो इतना खत्म, क्वेश्चन में गिवन होगा जी पार्टली मैनेज फ्रॉम इंडिया इसका मतलब, या होली मैनेज फ्रॉम इंडिया इसका मतलब रेजिडेंट, होली मैनेज आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट। उसके बाद कर्ता जो है वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो HUF बनेगा OR, और कर्ता इनमें से कोई एक कलता है या एक भी नहीं कलता है तो HUF बनेगा NOR। अब मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने से जो मेरी इनकम हो रही है वो मेरी पर्सनल इनकम है, यस, तो मैं इंडिविजुअल के रूप में रिटर्न फाइल करूंगा और टैक्स पे करूंगा। बट मेरी एक मिठाई की दुकान है मान लो संजीव वार्ष्णेय एंड सन्स मिठाई वाला, तो मेरी HUF की दुकान हो गई। अब HUF की दुकान हो गई तो उसकी इनकम पे भी टैक्स लगेगा,
उसकी इनकम पे टैक्स एचयूएफ देगा, बट करता मैं हूं तो सब कुछ मेरे ऊपर डिसाइड कर रहा है कि मैं सेटिस्फाइड करूंगा कंडीशन तो एचयूएफ ओआर बनेगा, मैं नहीं कर पा रहा हूं तो एचयूएफ ओआर नहीं बनेगा। अब एक सवाल यह है कि मान लीजिए मेरा प्रीवियस ईयर है 2020-21, मैं इंडिविजुअल में नॉन रेजिडेंट हूं और इसी साल मेरा एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। मेरा सवाल यह है, इज इट पॉसिबल कि कर्ता खुद अपने व्यक्तिगत स्टेटस में नॉन रेजिडेंट हो और उसी प्रीवियस ईयर में एचयूएफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो? बताइए पॉसिबल है? यस सर। कैसे? मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, नो यस नो ये, तो आंसर तो ये है कि यस है। अब यस है तो इसका रीजन कौन बताएगा मुझे कि क्यों कैसे हो सकता है? मतलब बिकॉज सर उसका बिजनेस जो है वो अपना कंडीशन वो कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं एचयूएफ बिजनेस कंडीशन। नहीं देखो दोस्त, बिजनेस कंडीशन सेटिस्फाइड होते तो रेजिडेंट बन रहा है, रेजिडेंट। मैं कह रहा हूं मैं इंडिविजुअली नॉन रेजिडेंट हूं और एचयूएफ ओआर है, तो एचयूएफ ओआर तो जब बनेगा करता इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। यस सर। हाँ बताइए। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कंफर्म करने के मतलब मैं करता हूं इंडिविजुअल में मैं नॉन रेजिडेंट हूं और मेरा एचयूएफ उसी साल ओआर है, उसी साल ओआर हो सकता है क्योंकि वो हो सकता है कि 180 दिन इंडिया में रुका हो और पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं हो उसका, नॉन रेजिडेंट हो वो, फिर भी वो पार्टली तो कंट्रोल कर ही रहा है एचयूएफ को इंडिया से। हाँ तो फिर रेजिडेंट ही बना ना, ओआर कैसे बना? आप कह रहे हो पास्ट में वो पहले कभी नहीं रहा, पहले कभी नहीं रहा तो ये तो कंडीशन कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी फिर। सर एक सर अगर अगर सर करता सर नॉन रेजिडेंट है तो सर ये जो एडिशनल कंडीशंस होती हैं सर इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता सर, जो बन जाए। वही तो बेटा, यही तो सवाल है। जानते हैं जब हम सीरियसली पढ़ते हैं और मजाक वजाक करते हैं, ये जो कुछ भी पूछ लेते हैं, एचयूएफ की फुल फॉर्म नहीं पता पढ़ने के लिए वो कर रहे हैं, तो बेटा ये तो देखिए कोर्स के लिए समय बहुत कम है, आपको भी पता है, तो ये चीजें तो पढ़ के बैठनी पड़ेंगी, राइट? अगर ध्यान से सुनोगे क्लास को तो एक एक लॉजिक क्लियर होगा, ये समझ लीजिए एक एक लॉजिक क्लियर होगा। सर जी, सर हो सकता है कि एचयूएफ का एक मेंबर इंडिया में है और वो डिसीजन नहीं करता होगा जी, करता देखा जाएगा, करता करेगा ये सेटिस्फाइड है, एक मेंबर तो सर एक ही होता है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, करता ही सेटिस्फाइड करेगा, मेंबर तो बेटा सब हो गए, वाइफ भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सेपरेट लीगल एंटिटी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर सुमित, वो आप कंपनी लॉ वाली लैंग्वेज यहाँ ना यूज करें या नहीं चलेगा। सर इसका मतलब तो ये है ना कि ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं होगा सर कि इंडिविजुअल अगर नॉन रेजिडेंट है, अगर मतलब कर्ता नॉन रेजिडेंट है तो एचयूएफ तो ओआर तो नहीं हो सकता सर, इतना तो है सर। अभी प्रूफ करूं आपके सामने? हेलो सर। हेलो। हां जी हां जी सर। हो सकता है कि वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे नहीं रहा हो लेकिन उससे पहले के ईयर में रहा हो और वो सेकंड वाली कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो, तो सेकंड करेगा ये वाली। अच्छा वो बेसिक वाली पहली, ऑर्डिनरी व्यक्ति हूँ, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, तो बताइए 60 डेज रहना जरूरी है कि नहीं मेरा? बोलो हाँ है ना? यस। अब हुआ क्या, मैं इस प्रीवियस ईयर में 60 डेज नहीं रहा, मैं 59 डेज रहा। बताइए, ना तो मैंने 182 डेज वाली सेटिस्फाइड की और ना मैंने 60 डेज वाली की। बताओ मैंने अपने व्यक्तिगत स्टेटस में मैं करता हूं कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड की दोनों में से? बोलो हाँ है ना? नो सर। नहीं की ना। अब बताओ मैं खुद क्या बन गया, फटाफट बताओ। नॉन रेसिडेंट बन गया। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इससे पहले मैं हमेशा इंडिया में था, ऑलवेज इन इंडिया, ऑलवेज इन इंडिया। अब बताओ ऑलवेज इन इंडिया तो वो कह रहे हैं 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, मैं तो हमेशा इंडिया था, 10 के 10 साल इंडिया में था। और बताओ जब 10 के 10 साल इंडिया में था तो 730 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई होगी? तो बताओ मैंने क्या किया, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी क्योंकि मैं इससे पहले हमेशा इंडिया में था। अब जब मैं 59 डेज के लिए इंडिया में था तो मैंने एक डिसीजन ले लिया एचयूएफ का। लो जी डिसीजन लेते ही एचयूएफ क्या बन गया, फटाफट बताओ।
रेजिडेंट रेजिडेंट और उससे पहले मैं हमेशा इंडिया में, तो बताओ मैंने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड की कि नहीं की? यस सर। बताओ अब बोलो बन गया कि नहीं बन गया। मैं खुद कलता नॉन रेजिडेंट हूं और मेरा एचयूएफ उसी साल ओआर है, मतलब ये पॉसिबल है कि नहीं? यस सर। ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ओआर का रेजिडेंशियल स्टेटस हमने खत्म किया, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज पूछनी थी। जी 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 प्लीज। सर आपने ये जो ऊपर बताया कि बिजनेस अगर वो होली और पार्टली मैनेज करेगा इंडिया से, तो सर हमारा एचयूएफ रेसिडेंट बनेगा ना? जी, हाँ, जी, बस ये सर यही पूछना। बहुत बहुत वेरी गुड। चलिए अब देखिए, अब जितने भी असेसी हैं, जितने भी असेसी हैं, सब या तो आर होंगे या एनआर होंगे। ओआर एनओआर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब आपके लिए काम आसान हो गया। मतलब सिर्फ बेसिक कंडीशन देखनी है, बाकी बात खत्म। ORN वाल तो है ही नहीं। अब देखिए AOP, BOI, फर्म एटसेट्रा, या मैं कह सकता हूं अदर देन कंपनी। सारे एसएससी यहां आ गए और यहां पर भी सिर्फ यही कंडीशन है सेम, बस HUF का नाम हटा दीजिए, ये लिख लीजिए। तो बताइए सिंपल है कि नहीं? मतलब सेम बिजनेस कहीं भी है, कंट्रोल होली पार्टली इंडिया से तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। सो इनमें से किसी का भी बिजनेस अगर होली और पार्टली इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। आज तक एग्जाम में इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आएगा तो मैं समझता हूँ आप आराम से कराएंगे, क्योंकि इससे जी तो कुछ है ही नहीं। तो बताइए ये भी सिंपल था, बोलो। देखिए इसके बाद अब हम बात करेंगे कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको, आराम आराम से देखेंगे क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है हल्का सा, तो देखेंगे आराम से। देखिए उन्होंने कहा कि इंडियन कंपनी जो है इज ऑलवेज रेजिडेंट, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट। यानी सवाल में अगर लिखा आ जाए एक्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, एक्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, तो वो अपने आप क्या बन गई? रेजिडेंट। अगर मैं कहूं तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दें, बट एग्जाम में फिर भी क्वेश्चन पढ़ के जवाब दें आप, चूंकि हो सकता है वो क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस ना हो के किसी और का हो और आप उसमें रेजिडेंट लिखाएं, तो वो सही नहीं होगा। अब बात ये आ रही है इंडियन कंपनी अगर है तो बस सीधा सीधा वो रेजिडेंट बन गई, कोई दिक्कत नहीं। सर इंडियन कंपनी होती क्या है बताइए? हमारे यहाँ कंपनी एक्ट कौन सा है 2013, उससे पहले कौन सा था 1956। भैया 1956 या 2013 में कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है तो इंडियन कंपनी, बात खत्म हो गई। बोलो समझ आया कि नहीं आया? चलिए अब देखिए होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या हमारे देश में केवल इंडियन कंपनी बिजनेस करती है, फॉरेन कंपनी नहीं करती क्या? फॉरेन कंपनी भी करती है, तो फॉरेन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे निकाले? देखिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर In substance from India. In substance from India. हाँ बिल्कुल सही बोला है मोहम्मद मसूद आपने, 2013 और कोई भी प्रीवियस कंपनी एक्ट हो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, एकदम सही बोल रहे हैं। चलिए साहब देखिए कई बार इस शब्द को बजाय डिटेल में लिखने के इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली जाती है, अब वो है पोएम।
प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब्सटेंस फ्रॉम इंडिया। अब आप मुझे बताइए, कंपनी में दो तरीके की मीटिंग होती है, एक शेयर होल्डर और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी को चलाता कौन है, शेयर होल्डर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बस, तो वो ये कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सब्सटेंस का मतलब ज्यादातर मीटिंग अगर इंडिया में है, प्लीज मैं माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, ज्यादातर अगर इंडिया में है अनुज प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। सो ज्यादातर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग इंडिया में हुई है, ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग इंडिया में हुई है, तो बस ऐसी कंपनी को क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट। सो क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा कि इन सब्सटेंस मीटिंग्स मतलब कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो इसका मतलब वो रेजिडेंट हो गया, दैट्स ऑल। तो इंडियन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाले, कि भैया वो इंडियन कंपनी, मतलब इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है 2013 या पीछे के कोई कंपनी एक्ट है उनमें, और फॉरेन कंपनी तब रेजिडेंट मानी जाएगी जब वो उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन सब्सटेंस कहां पर है, इंडिया से है। इन सब्सटेंस का मतलब ज्यादातर। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करा देता हूं ताकि ये इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में बढ़िया से कर पाए इसको। फटाफट से मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे। पहला एग्जाम्पल ये देखिए, ये वाला गुप्ता लिमिटेड। आंसर मत देखिएगा, आंसर मेरा लिखा हुआ है प्लीज मत देखें, अब देख ही लिया होगा, पर जस्टिफाइड करें इस आंसर को फटाफट से, सही है या गलत है। गुप्ता लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, तो इसको पढ़ के तो हमारा डिसीजन बन रहा है रेजिडेंट। बट देखिए कितना भावुक करने की कोशिश की गई है, द एंटायर कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ गुप्ता लिमिटेड इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, 80% ऑफ टोटल इनकम द कंपनी इज फ्रॉम बिजनेस इन लंदन, व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेट, मतलब 80% इनकम लंदन से, पूरा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। यू मस्ट लिखा हुआ था इंडियन कंपनी, हाँ, यू मस्ट बी फर्म ऑन योर कॉन्सेप्ट, एंड कॉन्सेप्ट सेज कि इंडियन कंपनी है, मतलब रेजिडेंट हो गई। तो बताइए सबको समझ आया ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फटाफट बताएं प्लीज। यस सर। चलिए अब मैं चाहूंगा सारे लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, इस वाले को ट्राई करें प्लीज। एनआर होगा ठीक है, देख लेते हैं आंसर देख लेते हैं भाई। यस एनआर है, बिल्कुल ठीक है। तो एनआर कैसे आया सर, सब कुछ आउटसाइड से हो रहा है, सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड। बिल्कुल बिल्कुल, शेयर होल्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर सब कुछ कंट्रोल बाहर से है, इसलिए ये क्या हो गया, जैसे होली लिखा है, देखिए ना, कंट्रोल होल्डी, अगर पार्टली भी लिखा होता तो भी फिर वो बताते इन सब्सटेंस और नॉट सब्सटेंस होता है रेजिडेंट, नहीं तो नॉन रेजिडेंट। तो बताइए एकदम क्लियर रेजिडेंशियल स्टेटस जो अब तक पढ़ाया, एकदम समझ आया सारा? यस सर। ठीक है, अब देखिए मैं अब आपको आगे लेके चल रहा हूं, देखिए थोड़ी सी स्पीड मुझे रखनी पड़ेगी, सिलेबस भी कराना है ना, तो जहां आपको लगता है नहीं समझ आया आप मुझे तुरंत रोक दें कि सर ये प्लीज रिपीट कर दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, जो बच्चा पढ़ने आया है मैं उसके लिए 100% रेडी। दिखा देना है बेटा, एक बार कंपनी वाला पेज दिखा देना। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, आ गया कंपनी, ये लीजिए। ठीक है, तो जो बच्चा पढ़ने आया है उसको बहुत एडवांटेज मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट है तो कुछ नहीं कर सकते, डिस्टर्बिंग एलिमेंट का कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा देश महान है इस मामले में, डिस्टर्बिंग एलिमेंट के साथ कुछ नहीं हो सकता, वो डिस्टर्ब करने ही आता है क्लास को।
लिख लिया बेटा आपने? यस सर। चलिए यस सर। चलिए अब मेरे साथ आप लोग, अब देखिए क्योंकि हम लोग ओआर एनओआर एनआर बनाना सीख गए तो हमारी गवर्नमेंट कहती है एक काम करो भाई, अब आप हमें ये भी बताओ कि जो टैक्स है वो कैसे इनकी टोटल इनकम निकलेगी। चलिए जी निकाल लेते हैं इनकी टोटल इनकम ओआर एनओआर एनआर। अब क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, ध्यान से सुनना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स बाई जेड, एसएससी का नाम होगा, बहुत सारी इनकम्स दे रखी होंगी और फिर कहा जाएगा कि इसकी इनकम बताइए, टोटल इनकम बताइए, अगर ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अगर ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और अगर ये नॉन रेजिडेंट है। क्लियर? तो हमने क्या किया, तीन कॉलम बना दिए और इनकम जहां आएगी जितनी आएगी उतनी डाल देंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते रहना। सबसे पहला इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया अर्न elsewhere, earn elsewhere, income received or deemed to be received in India, earn elsewhere, मुझे इनकम इंडिया में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी जाए। सर दोनों का एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखो, मैं कैश सेल्स करता हूं तो पैसे तुरंत मिल गए और क्रेडिट सेल्स करता हूं तो हम यही सोच के किसी को उधार देते ना पैसे दे देगा, तो इनकम रिसीव हुई या डीम टू बी रिसीव, ये भी टैक्स देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, तीनों में आएगा। क्लियर? चल ऐसे ही अगला पॉइंट है इनकम अर्न और डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया रिसीव्ड एल्सवेयर, इनकम अर्न और डीम टू बी अर्न इन इंडिया रिसीव एल्सवेयर। सर इसका एक एग्जाम्पल, सपोज मैंने प्रॉपर्टी इंडिया में बेची और पैसे मुझे मिले नेपाल में, तो मैंने प्रॉपर्टी तो इंडिया में बेची ना, तो प्रॉपर्टी कहाँ अर्न हुई, इंडिया में अर्न हुई, तो अर्न और डीम टू बी अर्न इन इंडिया है, रिसीव कहीं भी हो तो भी तीनों लोग टैक्स देंगे, तो भी तीनों टैक्स देंगे। अब दोनों को मिला के याद कैसे करना है, सिंपल याद करना है, इनकम चाहे तो अर्न इन इंडिया हो चाहे रिसीव्ड इन इंडिया, दोनों को टैक्स देना होगा। क्लियर? चलिए तीसरा पॉइंट, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड and managed from India. अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, सोच के जवाब देना। इनकम ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन से जो बाहर है पर कंट्रोल इंडिया से ओनली पार्टली हो रहा है, तो बताइए वो रेजिडेंट कहलाता था या नॉन रेजिडेंट कहलाता था? अगर बिजनेस बाहर है रेजिडेंट, और रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, ओ आर या एन ओ आर या दोनों? दोनों होता है, इसका मतलब यहां भी दोनों आएंगे और ये नहीं देगा, दोनों देंगे ये नहीं देगा। ठीक है, प्रोफेशन के बाद क्या लिखा है? किसके बाद प्रोफेशन? यस सर, उसके बाद सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल्ड एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया। चलिए अगला लिखें, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम बाहरी अर्न की और बाहरी रिसीव की, ओनली वन असेसी ओआर जो वर्ल्ड में कहीं भी इनकम अर्न करता है इंडिया में टैक्स देता है। ठीक है, पांचवा
past year's income brought into India during the previous year, brought into India during the previous year. आंसर मैं लिख रहा हूं, लॉजिक मुझे आपसे चाहिए. पास्ट ईयर्स इनकम कहीं भी क्यों नहीं आ रही? अरे यार, कम से कम ओआर में तो आती, वहां भी नहीं आ रही. व्हाट्स द रीजन? तो कई स्टूडेंट का जवाब आया, ऑलरेडी टैक्स लग चुकी है. चलो साहब, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ. ठीक है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं कि पास्ट ईयर से ऑलरेडी टैक्स लग चुका होगा. अब मैं साहब इसमें एक बदलाव कर देता हूँ. अगर यहाँ अनटैक्स्ड सब लिखा होता तो सर पास्ट ईयर की कोई भी इनकम हो सर, उसको सर नेक्स्ट ईयर की सर उसमें नहीं इंक्लूड करते सर. फिर बेटा कैसे टैक्स लगेगा इस पे? अनटैक्स्ड है, टैक्स तो लगना चाहिए था ना सर. शायद अर्न कहीं और कर रही हो लेकिन रिसीव इंडिया में कर रहा हो तो कैसे लग सकता है? मतलब कि अर्न कहीं और कंट्री में कर रहा हो. देख रहा हूँ, तो पहले पॉइंट में ही आ गया आपका जवाब. ओके सर, देखिए आपने बोला कि सर पास्ट ईयर्स इनकम है, अगर टैक्स है तो पहले ही टैक्स लग चुका, दोबारा क्यों लगे? व्हाट सर, अनटैक्स है तो आप कह रहे हो हम तो करंट ईयर की इनकम निकाल रहे हैं. एक बच्चे ने अभी जवाब दिया मुझे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. पास्ट ईयर का मतलब हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 2021 है, तो उससे पहले सब पास्ट ईयर है. मान लो 19-20 है तो वो भी पास्ट ईयर होगा. 19-20 की इनकम है और उस पर टैक्स नहीं लगा, और मेरी गवर्नमेंट कहती है कि पास्ट ईयर की इनकम पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, तो भैया मुझे एक साल इनकम छुपानी है बस, और अगले साल लाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने खड़ा हो जाना है और उनसे कहना है कर लो जो करना है. बताइए, लोग ऐसे ही नहीं करेंगे? पास्ट ईयर की इनकम छुपाएंगे एक साल और अगले साल इंडिया में लेके आ जाएंगे, नहीं फिर गवर्नमेंट टैक्स लगा नहीं सकती. तो ये तो गवर्नमेंट के साथ बड़ी, कहते हैं ना, मतलब गवर्नमेंट के साथ तो एकदम बेवकूफ बना दिया गवर्नमेंट को. लोग ऐसा नहीं करेंगे, एक साल ही तो छुपाना है बस. सर एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं. मैं मतलब ये बोल रहा हूँ कि 19-20 की इनकम है, अगर मान लीजिए 19-20 की इनकम को मैं 2021 प्रीवियस ईयर में लाता हूँ, तो इसका मतलब आप कहते हैं कि सर पास्ट ईयर की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा. तो ठीक है, मुझे अगर ये पता चल जाए कि हिंदुस्तान का कानून ये है कि पास्ट ईयर की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, तो मुझे एक साल ही छुपानी है, अगले साल में लेके आऊंगा और मुझे पता चल जाएगा पास्ट ईयर की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, तो मैं तो एक साल छुपाऊंगा. प्लीज यार माइक को बंद करें. So, मेरी बात को ध्यान से सुने कि मैंने एक साल, सिर्फ एक साल इनकम को छुपाना है और अगले साल में इंडिया में लेके आऊंगा और मुझे पता चल जाएगा बस एक साल ही छुपानी है. तो बताइए जो लोग हैं उनके मोटिवेशन हाई होगी कि नहीं होगी? वो टैक्स को, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, टैक्स इवेजन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी हो रही है. एक स्टूडेंट ने लिखा है आशु गुप्ता ने, सर फिर तो वो टैक्सेबल होगी नहीं. तो बताइए अगर ऐसा होगा तो ये गलत होगा कि नहीं होगा? बताइए, तो बदतमीजी को रोकेगी कि नहीं रोकेगी? चलिए अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं लॉजिक दे रहा हूं और ऐसे लॉजिक बुक्स में नहीं होते. ठीक है, ध्यान से सुनना प्रैक्टिकली क्या होता है. सब लोग साइलेंट एकदम होके सुने, ठीक है, ध्यान से सुने. देखो भैया, अगर पास्ट ईयर अनटैक्स्ड इनकम है तो सीधी सी बात है इस पर टैक्स तो लगेगा भैया. अब हम ये कौन से ईयर की निकाल रहे हैं? करेंट प्रीवियस ईयर की, यानी जो हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसकी इनकम है. अगर उस इनकम में यहां डाल देते हैं तो ध्यान से सुनना, ये अन्य नॉर्मल इनकम की तरह इसमें जुड़ जाएगी और नॉर्मल टैक्स लग जाएगा. मान लो हाईएस्ट टैक्स भी लगता है तो 30% लगेगा, 30% वाले स्लैब में चला गया. मान लो 30% में 30% लग गया, बस 30%.
यानी जो मैंने बदतमीजी की टैक्स ना देने की, अगर करंट ईयर में गवर्नमेंट मुझे यहां जोड़ने की परमिशन दे देती तो बस मैक्सिमम टैक्स 30% लगता। मैंने बदतमीजी की है, मैंने बदतमीजी की है, और बदतमीजी की है तो सजा तो बराबर मिलेगी साहब, सजा नहीं रह सकती। तो कैसे मिलेगी? इस अनटैक्स्ड इनकम का, ध्यान से सुनना, इस अनटैक्स्ड इनकम का सेपरेट असेसमेंट होगा, और सेपरेट असेसमेंट होने पर गवर्नमेंट टैक्स तो लेगी लेगी। बोलो आपने बदतमीजी की तो पेनल्टी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? बोलो हाँ, है ना? यस सर, पेनल्टी भी लगेगी, और मिनिमम पेनल्टी जितना टैक्स है उतनी पेनल्टी, यानी 30% टैक्स और 30% पेनल्टी। और एक बात और बताइए, ये टैक्स का पैसा आपको उसी साल गवर्नमेंट को देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? और आपने नहीं दिया तो आपने ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट का यूज नहीं किया क्या? यूज किया है ना, तो इस पर गवर्नमेंट अभी क्या और मांगेगी आपसे बताओ? इंटरेस्ट, बिल्कुल मोहित, इंटरेस्ट जो लगभग 1% है। तो भैया 60-61% टैक्स बन रहा है। अब मैं आपसे कहता हूं, आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो, आपके सामने एक असेसी आता है, तो आप इस असेसी से 30% टैक्स लोगे या 60-61% टैक्स लोगे? बताओ क्या लोगे? 61% लोगे ना। तो इसीलिए पास्ट ईयर टैक्स्ड हो या अनटैक्स्ड हो, यहां नहीं आती, सेपरेट असेसमेंट होता है। बताइए लॉजिक एकदम समझ आया या नहीं आया? चलिए सर, छठा पॉइंट, पर्सनल गिफ्ट्स, ये भी कहीं नहीं आएंगे। अब इसका क्या रीजन होगा बताओ? जिसने मुझे गिफ्ट दिया, जिसने मुझे गिफ्ट दिया है, उसने टैक्स दे दिया होगा, बात खत्म, तो मेरे हैंड में टैक्स क्यों लगेगा? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कोई मुझे ब्लैक मनी से, नहीं, 50,000 वाला वो पॉइंट अलग रखेंगे अभी, ठीक है, सेक्शन 56 वाला अलग रखेंगे वो। पर्सनल गिफ्ट्स अगर मुझे किसी ने ब्लैक मनी से दिया है तो बताइए फिर टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? व्हाइट से दिया है, टैक्स लग चुका है, फिर दिया तो कोई बात नहीं, फिर मेरे हैंड में टैक्स नहीं है। पर अगर किसी ने ब्लैक से दिया है तो लगना चाहिए? नो सर। अच्छा, फिर भी नहीं लगेगा? नो सर। तो फिर क्या होगा? फिर तो लोग ब्लैक मनी इधर उधर करते रहेंगे। ध्यान से सुने मेरी बात। सपोज मेरे फादर इन लॉ ने मुझे 5 लाख रुपए गिफ्ट दिया। हाँ, ये आंसर सही आया तरुण कुमार का, बिल्कुल ठीक है। सपोज मेरे फादर इन लॉ ने मुझे 5 लाख रुपए का गिफ्ट दिया, मैं ठहरा ईमानदार असेसी। मैंने आपको बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं कि इनकम टैक्स एक्ट पहले हमें ईमानदार बन के पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपने जो लूप होल्स का फायदा उठाना है उठा लीजिए। लेकिन अगर आप डे वन से बिना पढ़े ही लूपहोल का फायदा उठाओगे तो कुछ नहीं होगा, राइट? तो अब मुझे मान लो 5 लाख का गिफ्ट मिला, मैं ठहरा ईमानदार आदमी, मैंने उसे बैलेंस शीट में दिखा दिया, कैपिटल में ऐड कर दिया। अब बताइए कैपिटल जो बिजनेस में लगी होती है वो वाइट होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, बताइए आप मुझे? मतलब उस पर ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वाइट होनी चाहिए। तो अब मेरे 5 लाख रुपए से कैपिटल भरी, और जैसे ये कैपिटल भरी, इनकम टैक्स ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि भाई ये 5 लाख रुपए कहां से आए? अब चूंकि मुझे गिफ्ट मिले थे तो मैंने बोला जी मेरे ससुर जी ने दिए, ठीक है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगला नोटिस भेजा गुप्ता जी को, और गुप्ता जी से पूछ रहे हैं कि गुप्ता जी, दामाद को 5 लाख रुपए गिफ्ट किए, क्या आपने उसके ऊपर टैक्स दिया? अगर उन्होंने दिया तो एक्सप्लेन हो जाएगा, नहीं दिया तो वो क्या कहेंगे? जी नहीं, वो टैक्स देना, वो बात गोलमोल करेंगे, इसका मतलब टैक्स नहीं दिया। अब टैक्स नहीं दिया तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करे? आपने इसे ब्लैक मनी बनाने की कोशिश की, टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट, बोलो तीनों लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस सर। आप बताइए गुप्ता जी मुझे गिफ्ट करेंगे क्या? कहेंगे बड़ा बदतमीज दामाद है। सर जो पर्सनल गिफ्ट होते हैं वो तो मतलब पर्सनली यूज होते हैं ना, बिजनेस
अच्छा मुझे पर्सनल गिफ्ट मिला है और मैं अपना बिजनेस से बढ़ाना चाहूं तो कोई रोक लेगा मुझे? मुझे कहीं से 5 लाख रुपए मिले गिफ्ट में और मैं चाहता हूं मेरा बिजनेस और बढ़े, रोक लेगा मुझे यूज करने से? बताइए आप मुझे। नो बट अगर कोई नहीं ना बोलो 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 तो कोई पर्सनल आइटम मिली 5 लाख की रिकॉर्ड पर्सनल आइटम नहीं मैंने तो आपको बोला है वो बोला है। अच्छा चलो पर्सनल आइटम की बात कर लेते हैं। पर्सनल आइटम मान लो मुझे लैंड मिल गई 5 लाख रुपए की, अब बताओ मैं लैंड दिखाना चाहता हूँ, नहीं दिखा सकता बैलेंस शीट में? फिर सो यहां पर जो गिफ्ट देने वाला है अगर वो ब्लैक मनी से दे रहा है तो पनिशमेंट उसे मिलेगा, रिसीवर को कुछ नहीं, इसलिए रिसीवर के हैंड में कहीं पर भी नहीं आएगा। बात क्लियर? पांचों छह पॉइंट समझ आए? अच्छा अब सुनो, आपको ये याद होगा इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है, टैक्सेबल होता है? बताएं प्लीज। एग्जम्प्ट होता है सर। एग्जम्प्ट आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं, 21-22 असेसमेंट ईयर से टैक्सेबल हो गया है। ठीक है बात समझ आई? यस सर। याद कर लेना 21-22। हाँ जी इसी साल अमेंडमेंट आई है ये, और मैंने बोला ना हर चीज विद अमेंडमेंट बताऊंगा आपको, तो विद अमेंडमेंट ध्यान रखना इस बात को कि इंडियन कंपनी का डिविडेंड जो था वो टैक्सेबल होने लगा। ठीक है ओके सर। हाँ लेकिन एक छोटी सी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, ये अमेंडमेंट आपका लगेगा 1/4/2020 ऑनवर्ड, यानी अगर कंपनी इस डेट ऑनवर्ड देगी तो शेयर होल्डर के एंड में एग्जेम्प्ट है। पर बताइए अगर इससे पहले कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया डिविडेंड, मान लो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया 15 मार्च 2020 को और ये डिविडेंड जाके शेयर होल्डर को मिल रहा है 5 अप्रैल 2020 को, ये शेयर होल्डर को रिसीव्ड हो रहा है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा? हाँ ये बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, क्योंकि जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट 15 को डिस्ट्रीब्यूट हुआ हाँ, तो इस पे सीडीटी कंपनी दे चुकी है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अब ये रिसीव अगर बाद में हो रहा है तो इसमें ये वाला फिर लॉ नहीं है, फिर ये आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कंपनी इस डेट या इसके बाद में कोई डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो फिर शेयर होल्डर में क्या माना जाएगा, टैक्सेबल होगा। तो बताइए डिविडेंड वाला पॉइंट भी क्लियर है? इसका मतलब कंपनी अब सीडीटी पे नहीं करेगी? नहीं कंपनी सीडीटी नहीं पे करेगी बिल्कुल। ओके सर। ठीक है टीडीएस काटेगी। ओके सर। चलिए अब मेरी बात सुने, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करवा के आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फटाफट से एक बार इसे रिकैप करा रहा हूं, इनकम रिसीव्ड है या डीम टू बी रिसीव्ड है, मतलब अर्न या रिसीव्ड है, दोनों में से कुछ भी है तो तीनों टैक्स देंगे। बिजनेस बाहर है कंट्रोल इंडिया से तो ORNOR, बाहरी अर्न बाहरी रिसीव्ड सिर्फ ओआर, पास्ट ईयर और पर्सनल गिफ्ट दोनों कहीं भी नहीं आएंगे। ये क्या होगा, इनके लिए मैंने आपको बोला सेपरेट असेसमेंट करा जाएगा। तो बताइए अब इसके ऊपर एक छोटा सवाल दूं और 5 मिनट का आपको समय दूं, आप करेंगे या नहीं करेंगे बताओ फटाफट। कर लेंगे। तो अब आप करना क्या, क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप लोग क्या करना, केवल अमाउंट जितना जितना आ रहा है वो डालते जाना, पूरी लैंग्वेज मत लिखना, लैंग्वेज में टाइम खराब होगा। एग्जाम में जो पॉइंट लिखा हुआ है एज इट इज कॉपी करके उसके आगे अमाउंट में अमाउंट डालते जाना, बस ये करना। तो प्रेजेंटेशन आपका ये हो गया, जो लिखा है वो एज इट इज लिख के और आप पॉइंट को यहां लिख दीजिए, बात खत्म। ठीक है अभी क्या करना, अभी आप बस अमाउंट डालते जाना जितना जहां है वैसे। ठीक है चलिए एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप ट्राई करेंगे। ये वाला, ये वाला करें आप। और लास्ट पॉइंट इसमें गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी है तो गिफ्ट तो कहीं आना ही नहीं है, तो ये पॉइंट चूंकि अगले पेज पे जा रहा है इसलिए 10वां पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। आप ये क्वेश्चन ट्राई करें चुन्नू वाला, फटाफट अपनी कॉपी पे करें और टोटल इनकम निकालें फटाफट से, 5 मिनट का समय है आपके पास।
पेंशन का सर एक बार बता सकते हो? मैं सब बताऊंगा, जितना आपको हो रहा है उतना कर लीजिए, मैं सारा बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, सारा बताऊंगा मैं। ओके सर।
चलिए मैं सॉल्व करता हूँ अब इसको। देखिए हमने ओ आर एन ओ आर एन आर लिखा, पॉइंट नंबर वन देखते हैं क्या कहता है। इंटरेस्ट ऑन जापान डेवलपमेंट बॉन्ड्स हाफ रिसीव्ड इन इंडिया। लो जी पहला पॉइंट कुछ ऐसा हुआ, 25,000 क्योंकि हाफ रिसीव्ड इन इंडिया है इसलिए तीनों में आना है, डाल दिया जी 25। अब बचा हुआ 25 बताइए इंडिया से बाहर अर्न हुआ या नहीं हुआ, और भारी रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर भारी अर्न भारी रिसीव है पॉइंट नंबर फोर यानी सिर्फ ओआर में, तो इसका मतलब 25,000 ओआर में और आएगा। अब बताइए ऐसे 25,000 दो बार लिखना अच्छा लग रहा है या दोनों को एक साथ 50,000 लिखूं वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, बोलिए क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है। साथ में तो इसलिए ये नहीं, मैंने एक्चुअली आपको समझाने के लिए ऐसा किया था, एग्जाम में हम ऐसे दिखेंगे 50 25 25। चलिए साहब अब सेकंड को देखते हैं उसका क्या लॉजिक है। सेकंड कह रहा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश रिसीव्ड देयर, यानी बाहरी अर्न हुई बाहरी रिसीव हुई और बाद में 150 इंडिया में भेजा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, रेमिटेड ब्रॉट इन टू और सेंट, रेमिटेड ब्रॉट इन टू और सेंट, ये तीनों रिसीव्ड नहीं होते। रिसीव्ड जब तक ना लिखा हो रिसीव्ड नहीं मानेंगे, रिसीव्ड लिखा हुआ होना जरूरी है, मतलब वो इनकम फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया होगी तो तीनों में आएगी। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी अर्न हुई और बाहरी रिसीव हुई, अच्छा 1.5 लाख भेजा इससे कोई मतलब नहीं, कमाया कितना 2.5 लाख रुपए तो ओ आर में आना चाहिए। लो जी मैंने ओ आर में डाल दिया, लेकिन अब आप में से कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है, आपने यहाँ क्यों डाली, कोई जवाब देगा इसका? क्योंकि ये बांग्लादेश में अर्न करी गई है। बेटा ध्यान से सुनना, एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में अर्न है तो एग्जेम्प्ट है, इंडिया से बाहर है तो टैक्स लगेगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर थ्री, 3,20,000 रुपए यूएसए में एक प्रॉपर्टी थी वहां अर्न की और वहीं रिसीव किए, तो सिर्फ ओआर में आना चाहिए। सर 80,000 उसने खर्चे किए, 2,40,000 इंडिया में भेज दिया, देखो जी पर्सनल एक्सपेंडिचर की कोई डिडक्शन नहीं मिलती, कोई डिडक्शन नहीं मिलती, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी पहली बार, तो इसका मतलब 3,20,000 पूरा टैक्सेबल होगा। अब चूंकि बाहरी अर्न है और बाहरी रिसीव है तो बताइए सिर्फ कहां लिखूं इसको, बिल्कुल ठीक 2,03,20,000। अगला पॉइंट है जी, इनकम एक्रूड फ्रॉम बिजनेस इन इराक कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, और 2 लाख रुपए इंडिया में रिसीव हुए। जरा बताएं अगर कंट्रोल होता है तो वो रेजिडेंट बन गया, और रेजिडेंट का मतलब ओआर एन ओआर, तो 3,50,000 3,50,000 कहां आने चाहिए, ओआर और एन ओआर, और 2 लाख मैंने यहां डाल दिए एनआर में। कोई बता सकता है मैंने 2 लाख एनआर में क्यों डाले हैं? रिसीव्ड इन इंडिया, राइट। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2-2 लाख तीनों में डाल दिए, अब बचा 1.5 लाख, तो 1.5 लाख ओ आर एन ओ आर, तो इस तरीके से 3,5, 3.5 और 2 लाख। बताइए पॉइंट समझ आया? क्लियर है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। यस सर। अब पॉइंट नंबर 5, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी। अब बताइए इंडियन कंपनी ने पे किया है और डिविडेंड अब टैक्सेबल है, सोच के बताइए इंडियन कंपनी ने पे किया है तो ये अर्न इन इंडिया माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए? और अगर अर्न इन इंडिया माना जाएगा तो फिर तो तीनों में ही आएगा, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है चलिए हाँ प्लीज पूछें। ओके आगे चलो। चलिए 6 पॉइंट, पास्ट ईयर मैंने आपको बोला चाहे टैक्स दो अनटैक्स आएगा ही नहीं, यहाँ पर अनटैक्स है तो सेपरेट असेसमेंट, तो उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कहीं नहीं डालना, तो इसका मतलब पास्ट ईयर इनकम को मैं कहीं भी नहीं डाल रहा। चलिए 7th पॉइंट देख लेते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन आगरा। अब देखो कितना भावुक कर रहा है ये,
मैनेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, 50% प्रॉफिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। जरा एक बात बताएं मुझे, अगर बिजनेस आगरा में है और आगरा कहां पर है, इंडिया में है, तो ये इनकम अर्न इन इंडिया मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया मानी जाएगी ना, अगर इंडिया में अर्न है तो भैया फिर तो तीनों में आएगा। तो बताइए बाकी बात इन्होंने सिर्फ हमें मिसगाइड करने के लिए की कि नहीं की? मिसगाइड किया तो इसका मतलब 105,000 मैं कहां पे लेके आऊं, क्योंकि आगरा में है और आगरा इंडिया में है, तो अर्न इन इंडिया। चलिए आठवां पॉइंट देखते हैं। आठवां पॉइंट है जी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इन इंडिया रिसीव्ड इन नेपाल 150,000। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इनकम अर्न इन इंडिया हुई या नहीं हुई? बोलो हुई तो फिर कहां आएगी? तीनों में। ये लो जी तीनों में ले आए। नाइन्थ, पेंशन फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया। प्लीज ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति सैलरी देता है एम्प्लॉय को तो वो उस एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन भी देता है। अब जब सैलरी दे रहा है तो उस एम्प्लॉयर का ये सैलरी खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? जी सर हुआ। तो सैलरी वो पीएनएल में डालता है कि नहीं डालता? बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालता है। तो पेंशन भी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेगा कि नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। अब चूंकि इंडिया का एम्प्लॉयर है तो इंडिया के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेगा। ध्यान रखना, कई बार हमें रिसिपिएंट के केस में अगर कोई दिक्कत आ रही है जिसको प्राप्त हुई है इनकम, तो हम क्या करते हैं, देने वाले के हैंड में चले जाते हैं और देने वाले के हैंड में देखते हैं क्या वो अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट तो नहीं करेगा। हाँ जी, इंडिया ने तो डेबिट करेगा, इंडिया में बिजनेस है, इंडिया से पेमेंट कर रहा है तो अपने पीएनएल अकाउंट डेबिट करेगा। और अगर कोई इनकम मतलब खर्चा अगर इंडिया का है तो अर्न भी कहां माना जाएगा, इंडिया में। तो ये पेंशन भी कहां अर्न मानी जाएगी, इंडिया में। और इंडिया में तो 210,000 कहां आएगी, फिर तीनों में आएगी। 210,000, 210,000 और पर्सनल। 210,000 में स्टैंडर्ड डिडक्शन कटेगा 30%? हाँ बिल्कुल कटेगा, सैलरी का चैप्टर आएगा तब बताऊंगा, अभी मैंने ये मान लिया है नेट है। ठीक है, बिल्कुल कटेगा, एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलेगी उस पर मिलता है। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए इनका टोटल कितना आ रहा है, एक बार बता दीजिए प्लीज सबका। ये मेरी बन गई टोटल इनकम। टोटल बता दीजिए कितना आया, बस पहले का 13,70,000। प्लीज सब लोग चेक कर लें इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, गलत है आपका ये। 16,10,000। हाँ, 16,10,000 इज करेक्ट। और दूसरा सर 12,10,000। 12,10,000 नहीं, सर 8,65,000। वो थर्ड का आ रहा होगा, 10,15,000। एंड लास्ट वाले का सर 8,65,000। 865, बिल्कुल ठीक है 865। सो बताइए कॉन्सेप्ट समझ आया आपको, ओआर एनओआर का ये क्वेश्चन निकालना आ गया? यस सर। रेजिडेंशियल स्टेटस समझ आया? जो मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस कराया था विद अमेंडमेंट वो क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक स्टूडेंट ने अभी मुझसे पूछा है सर रेमिटेड एक बार दोबारा बता दो, मैं फिर बता देता हूँ। रेमिटेड का मतलब होता है पैसा भेजना, पैसा भेजना। तो जो भेजेंगे वो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाता, जब तक क्लियर शब्दों में ना लिखा हो रिसीव्ड इन इंडिया, हम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानेंगे उसे। ठीक है, चलिए पॉइंट टेंथ रह गया। नहीं, पॉइंट टेंथ नहीं रह गया दोस्त, गिफ्ट है और गिफ्ट कहीं नहीं आता, इसलिए मैंने कहीं नहीं लिया। ये स्टार्ट करने से पहले ही क्वेश्चन बोल दिया था कि ये चूंकि हमारा ऐसे आ रहा था ना पेज, तो मैंने कहा ये पॉइंट तो कहीं इफेक्ट आएगा ही नहीं क्योंकि पर्सनल गिफ्ट है, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, और कोई डाउट है तो प्लीज पूछें, कोई भी डाउट आपको है
सर एक बार वो पेज दिखा दीजिए सॉल्विंग। अच्छा ये लीजिए। हाँ क्या पूछ रहे हो आप, जब तक बताएं। सर गिफ्ट वाले पॉइंट में रिलेटिव और फ्रेंड का भी तो कुछ होता था ना। बेटा वो आईयूएस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। वहाँ ये था कि अगर मैं रिलेटिव से मिलेगा तो जितना मर्जी मिले वो एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्सेबल नहीं, लेकिन फ्रेंड से मिलेगा तो 50,000 से ऊपर होने पर टैक्स लगता है। अच्छा 50 की लिमिट है, तो वहाँ पे डिस्कस करूंगा, अभी तो बस बेसिक्स चल रहे हैं आपके। बेटा फुल फॉर्म है एनओआर की, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ रेजिडेंशियल स्टेटस इज ओवर, ओवर। चलिए अब एक बार बताइए, सैटरडे मेरी क्लास है और मैं जो चाहता हूं, जो आज मैंने फील किया है, जो आज मैंने फील किया है आपके साथ, वो ये फील किया है कि आप लोग ना कई स्टूडेंट इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। देखिए इस क्लास में आपको कुछ तो पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर्स लिमिटेड होते हैं, तो हमें उसमें कोर्स कराना है आपको, काफी हद तक कवर करना है, तो वो तभी कवर होगा दोस्त जब आप पढ़ के आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, बड़ा चैप्टर है सैलरीज, इसका फायदा तब मिलेगा जब आप पढ़ के आएंगे। आपके पास 2 दिन है, आज का भी और कल का भी, परसों सुबह 10 बजे तक का टाइम है। आप प्लीज सैलरी का चैप्टर पूरे अपने पढ़ के आए, और पढ़ने के बाद फिर मैं यहाँ कराऊंगा तो थोड़ा अच्छे से और स्पीड में कवर हो जाएगा, वरना पता चला सैलरी में इतने सारे प्रोविजन है, 2 ही प्रोविजन हुए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो स्लो भी हो जाऊंगा, बट स्लो होने से नुकसान आपका है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, जिन्हें पता है कि इस क्लास में हमें पढ़ के बैठना है, उनका नुकसान होगा, वो बेचारे कहेंगे अब स्लो हो गया मामला। तो भैया थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी, और ये तभी पॉसिबल है जब पढ़ के बैठेंगे। पढ़ के आइए, चैप्टर का नाम मैंने पहले से बता दिया सैलरीज, इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा। अपनी इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ पढ़ा के आइए पूरा, फिर मैं यहाँ कराऊंगा तो थोड़ा हमारे पास कवरअप के लिए टाइम होगा और हम करके आएंगे, ठीक है। तो मुझसे ये प्रॉमिस करते हैं आप लोग के पढ़ के आओगे आप, फटाफट बोलो। यस सर, सब लोग बोलेंगे ये, मैं सबको स्क्रीन पे देख रहा हूँ कौन कौन लिख रहा है। वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर सिलेबस को लेके एक डाउट है कि कुछ चेंजेस इंस्टीट्यूट ने बोले हैं कि हुए हैं। क्या चेंज हुए हैं? 2021 का न्यू आया है डायरेक्ट टैक्स का, और प्रीवियस 2016 का था। हाँ? ये वाला तो इसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो। इनकम टैक्स में तो खैर क्या चेंज होगा मैं आपको बताऊँ, चैप्टर एक आध प्लस माइनस ही हुआ होगा और कुछ नहीं, और पांचों ऐड तो हमेशा रहेंगे, तो सैलरी तो 100% होगा ही, तो वो तो मैं कराऊंगा ही आपको, खैर नॉट एन इशू। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ऐसा कुछ है क्या। हाँ सर एक बार आप चेक कर लीजिएगा और कल वाली क्लास में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। हाँ मैं सैटरडे को आपके साथ कर लूंगा। तो आज की क्लास बताओ एकदम समझ आई बढ़िया से? यस सर। चलिए तो फिर मैं आज की क्लास को यहीं रोक रहा हूं, और नेक्स्ट क्लास में मैं सैलरी कराऊंगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज पढ़ के आइए, पढ़ के आएंगे ना तो बस आप यकीन कीजिए आप मेरी क्लास को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत एंटरटेनिंग है मेरी क्लास, शर्त यह कि बच्चा पढ़ के आए बस, क्योंकि मैं हर चीज का लॉजिक देने की कोशिश करता हूँ, और लॉजिक जब आ जाता है तो बहुत एंटरटेनिंग लगती है क्लास, है ना। और दूसरी बात जानते ना, मुझे पढ़ाने में बहुत एंजॉय फील होता है मेरे को, मतलब आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, आपके डाउट लेना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे आप लोग ना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। आप देखिए कोई मूवी देखने जाते हैं और वो मूवी बहुत अच्छी होती है मान लीजिए, तो आपके 3 घंटे पता भी नहीं चलते आपको कि यार कब निकल गए, क्यों? क्योंकि आपने उन 3 घंटे बहुत एंजॉय किया। बस जिस दिन आपने स्टडी को एंजॉय करना शुरू कर दिया ना, पढ़ना मन से, तो आप यकीन मानिए आपके आगे फिर मतलब कुछ नहीं दिखेगा, फिर आपको बस 3 ही शब्द दिखाई देंगे, और वो 3 शब्द हैं CMA। और आपको बता देता हूं पूरे हिंदुस्तान में कॉस्ट के फील्ड में सबसे बड़ी डिग्री CMA है। ये 3 शब्द आपके लिए मान के चलिए सम्मान का प्रतीक हैं, आपको इनके लिए पूरी इज्जत देनी है और इनके लिए जी जान एक कर देना है अपने नाम के आगे। ये तीन तीन बड़े प्यारे शब्द CMA ये आपके आगे लगने चाहिए, ठीक है। और ये तभी लगेंगे जब आप मन से पढ़ेंगे, और क्लास को भी बिल्कुल चलने दीजिए, और डिस्टर्ब नहीं होगी तो और ज्यादा मजा आएगा क्लास करने में, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सैलरी कराऊंगा,
टफ है पर चिंता मत कीजिए, इनकम टैक्स तो पूरा ही टफ है, हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे तो सब क्लियर होगा। पढ़ के आइएगा, आप यकीन कीजिए बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप नेक्स्ट क्लास। चलिए थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग मी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलता हूँ, थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम।